जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक है, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल रूम में, ठीक है, तो अभी आपको कराता हूँ पूरा हॉस्टल टूर, ठीक है। तो गाइस जो ये आपने देखा ये है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। ये जो सामने गेट है सारा, ये सारा पार्क है गर्ल्स हॉस्टल का। और जो आपको जो मैंने गेट दिखाया था वो गर्ल्स हॉस्टल का मेन गेट है, जहाँ से आप अंदर जाएंगे। वो गेट आपका 6 बजे बंद हो जाता है गर्ल्स के लिए शाम को, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, ठीक है। ये हॉस्टल गेट नंबर 4 के बाद बिल्कुल सामने, जैसे आपको दिखाया था पहले भी, बिल्कुल 4 नंबर गेट के सामने हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और तो ऐसी कुछ एंट्री होगी, पीछे बिल्कुल मेन गेट है, ठीक है, ऐसी आपकी एंट्री होगी अंदर हॉस्टल्स में। अभी तो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं क्योंकि है नहीं कोई, लेकिन आप विजिट कर सकते हैं। जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक है, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल रूम में, ठीक है, तो अभी आपको कराता हूँ पूरा हॉस्टल टूर, ठीक है। ज़्यादा की बात, जो बाकी की बातें वो बाद में करेंगे, इसलिए फटाफट आपको हॉस्टल टूर करा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रहता हूँ 4th फ्लोर पे, ऐसा कुछ व्यू है मेरे हॉस्टल से, ठीक है, देख सकते हैं। 4th फ्लोर पर रहता हूँ मैं, इधर का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सामने यूनिवर्सिटी है और ये हमारा हॉस्टल है, 4th फ्लोर से ऐसा व्यू है, 9th फ्लोर बोरा, ठीक है। और जो ये हमारी बालकनी है, देख सकते हैं बालकनी में कितनी ज़्यादा बूट स्पेस है, ठीक है, इतनी बड़ी ये बालकनी है। और इस बालकनी में 2 रूम्स लगते हैं, ठीक है। ये जो 2 दरवाजे हैं वो 1 रूम के हैं, कॉर्नर वाले रूम के, और कॉर्नर वाले रूम के साथ हमारा रूम है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा रूम है। तो गाइज ऐसा कुछ आपका रूम रहेगा, ठीक है। आपको ये है 4 सीटर नॉन एसी रूम, ठीक है। जो ये डक्ट है ना, ये डक्ट कूलर की तरह है, हर रूम में ऐसी डक्ट है एक एक, ठीक है। इसका सोर्स क्या है आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इसका ये सोर्स है ना, ये है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कूलर है, इसमें पानी वगैरह चलता है, इसका कॉमन बटन होता है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे मतलब रूम्स हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, और 5, 5 रूम्स के लिए एक डक्ट है, देख सकते हैं सबके रूम में ऐसे कनेक्टेड है ये, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ऐसे ये सबके रूम में कनेक्टेड है। तो ये 4 सीटर नॉन एसी रूम है, ठीक है। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे तो ऐसे कुछ होंगे, जो इंटरनेट का पूछते हैं ऐसे लैन पोर्ट्स हैं सबके पास पर्सनल अपने, ठीक है। मेरी लैन पोर्ट इधर थी, बाकी लैन पोर्ट वहाँ नीचे हैं, ठीक है, 2 लैन पोर्ट ये रही। तो ऐसे ही आपको एक एक बेड, एक चेयर, ठीक है, एक टेबल और एक अलमारी, ये एक पूरा सेट है सबके लिए, देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबके लिए सब कुछ कॉमन पड़ा होगा, जितने भी टेबल देख सकते हैं, एक टेबल ये रहा, मेरी अलमारी ये रही, ठीक है, और ये रहे 2, ठीक है, ये रहा एक और बेड, उसके साथ ये रहा बेड, टेबल, चेयर, अलमारी। तो सबको अपना अपना पर्सनल ऐसे ही सामान मिलेगा, ठीक है। आपको बेड के अंदर रखने के लिए ऐसे ही जगह ही मिल जाएंगी, अपने बेड के अंदर रख सकते हैं, जूते वगैरह आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। आपको अलमारी मिल जाएगी, ऐसी कुछ अलमारी है, अलमारी के अंदर लॉकर भी है, ठीक है, लॉकर के साथ चाबी है, और उसके बाहर भी लॉक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लॉक भी लगा सकते हैं, बेड में भी सब जगह बॉक्स हैं, ठीक है, बॉक्स में लॉक लगे हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये लॉक है ऐसे। और ऐसे एक यहाँ से व्यू है कुछ आपके शीशे से, ठीक है। उसके बाद आपको एक कर्टन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई कर्टन नहीं मिलेगा, आपको अपने लिए खुद लेके आना पड़ेगा ये कर्टन, ये इन आपको खुद देंगे। उसके बाद ये लाइट आती है, ठीक है, ऐसे कुछ पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, एक कमरे में 2 पंखे होंगे, सबके लिए अपनी अपनी लाइट्स हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 लाइट्स सबके पास। ऐसी अलमारी है, काफ़ी ज़्यादा जगह है, ठीक है। अभी जो मेरा रूम है वो पूरा ज़्यादा इधर उधर हो रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई होनी बाकी है। जब हमारा रूम अरेंज था तब आपने शायद मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन मैंने आपको अभी तो दिखाई दिया सारा। उसके बाद ऐसे बालकनी है, ठीक है, आप अगर शाम को चाहें तो जाके बैठ सकते हैं बालकनी में। और ये बालकनी है वो कॉमन है 2 रूम्स के लिए। ऐसे कुछ व्यूज़ हैं, सामने ही आपके गार्डन वगैरह है, ठीक है। तो अभी आपको जो मैं दिखा देता हूँ वो दिखा देता हूँ बाथरूम, ठीक है, बाथरूम वगैरह कैसे है। मैंने आपको एसी डक दिखा दिया, ये है 4 सीटर नॉन एसी रूम। जो बाकी रूम्स ही होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, रूम्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, चाहे वो 4 सीटर है चाहे वो 5 सीटर है, सेम रूम होगा। जो 5 सीटर रूम है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उस हॉस्टल में मतलब मैं रहा नहीं। जो जाकिर के रूम्स हैं वो 5 सीटर हैं, लेकिन वो इस रूम से काफ़ी बड़े हैं और उसमें 5 बंदे रहते हैं। सामान, बेड, अलमारी, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। जो डक्ट है वो सेम रहेगी, ठीक है, ऐसी रहेगी कुछ डक्ट जो आपकी है।
बाद आप जैसे ही रूम से बाहर आएंगे तो ऐसा आपका कुछ कॉरिडोर होगा, ठीक है। कॉरिडोर में भी बहुत अच्छी स्पेस है, हर मतलब चार पांच रूम के लिए अपनी अपनी डक्ट है कॉमन, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ, उसके बाद जैसे अभी आप देखिएगा यहाँ से ऐसे कुछ व्यूज़ हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे यहाँ से रूम शुरू हुआ, ठीक है, एक दो, ये जो आपका क्या है, ये बाथरूम है, ठीक है, ये बाथरूम है, तीन और चार, चार रूम के लिए एक कॉमन बाथरूम। हमारा बाथरूम कौन सा है, ठीक है, ये जो डस्टबिन है ये कॉमन डस्टबिन है, जहाँ पे आप अपना सारा जो गंद वगैरह है वो फेंकेंगे। हमारे रूम कौन से हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रूम के लिए ये वाला बाथरूम है, ठीक है। इस बाथरूम के अंदर जाके, ठीक है, ये बाथरूम है, यहाँ पे ये नहाने वाला बाथरूम है, ये आपका नहाने वाला बाथरूम है, ठीक है। देख सकते हैं शावर और ये लगा हुआ है, एक बाथरूम। उसके बाद ये आपका दूसरा नहाने वाला, उसके बाद ये आपका टॉयलेट है, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, ऐसे कुछ आपके टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे तीन वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कर सकते हैं ये सारा। और काफ़ी अच्छी, देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाथरूम है, तो ये तीन से चार रूम के लिए एक ऐसा बाथरूम है। गीज़र भी लगा हुआ है गर्म पानी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हर फ्लोर पे तीन से चार रूम के लिए, ठीक है, हर फ्लोर पे तीन से चार रूम के लिए ऐसे ही जो कॉमन बाथरूम है। उसके बाद आप जैसे ही बाहर आएंगे, ठीक है, बाथरूम के, हर बाथरूम के बाहर ऐसे डस्टबिन वगैरह पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपको पानी भरना है वो यहाँ से पीने का पानी है, ठीक है। पानी आपका 24/7 आएगा, ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ पानी आता है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ये जगह है जहाँ पे आप मतलब खेल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ही आपकी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हैं, और ये आपकी लिफ्ट सर्विस है, ठीक है। लिफ्ट कितनी है, एक लिफ्ट इधर है, उसके बाद इधर भी रूम्स हैं, ये उनकी डक्ट है, और एक लिफ्ट इधर है, ठीक है, ये भी एक लिफ्ट, और उसके बाद ये रहा आपका सीढ़ियाँ। उसके बाद ये रहे यहाँ पे एक और पानी का, ठीक है। तो ये एक आपका पूरा फ्लोर है, ठीक है, दोनों साइड से ओरिएंटेशन है वो सेम रहेगी। ये बाथरूम इनका, एक बाथरूम, और उसके बाद ये दूसरा बाथरूम, ठीक है। ये भी बंद है तो ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। तो सबके पास अपने अपने बाथरूम है, अपनी अपनी पर्सनल डक्ट है, अपना पानी का वो है, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई देख सकते हैं अभी बंद है। उसके बाद ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक और बाथरूम है, ठीक है। ये तो ऐसे ही पूरे फ्लोर पे बाथरूम बाथरूम सबकी अपनी पर्सनल डक्ट सब कुछ है। तो हॉस्टल टूर आपका कुछ ऐसा ही रहेगा, आपको सामान क्या क्या लाना, ठीक है। जैसे ये गद्दे हैं ये हमने खुद खरीदे थे, उसके बाद ये जो बाल्टी है ये भी हमने खुद खरीदी थी, ठीक है। इसके अंदर रखने के लिए आपको, ये मेरी पेस्ट पड़ी है, तो ये सारा सामान आपको खुद ही लाना है, कोई नहीं आपको लेके देगा। उसके बाद ये जो तकिए वगैरह हैं, ठीक है, सब हमारी हमारी बुक्स वगैरह यहाँ पर पड़ी हैं, और ये आपको ये भी लाना है। उसके बाद ठीक है, ये साबुन रखने वाला है। उसके बाद आपको अपने जूते वगैरह लाने हैं यहाँ पे। साफ़ सफाई की कोई टेंशन नहीं है, साफ़ सफाई यहाँ पे खुद होती है, स्वीपर जाते हैं हर रोज़ वो साफ़ सफाई खुद करते हैं, साफ़ सफाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो साफ़ सफाई होती है वो हर रोज़ खुद करते हैं स्वीपर जाके, ठीक है। आपको साफ़ सफाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे आके आपको अपना रहना है, ठीक है। आपकी साफ़ सफाई रूम की रोज़ होगी, आपको जो खाने के बर्तन है वो भी नहीं धोने हैं, ठीक है, सिर्फ मैसेज जाके खाना खाना है। जो बर्तन वगैरह है वो खुद धुलेंगे, लेकिन जो आपको खाना डालना है वो खुद डालना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है, ठीक है। प्लेट उठाओ, खाना डालो, खाओ और रख दो धोने के लिए, ठीक है, इतना ही काम है। और खाने की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको मैस भी दिखा दी है, ठीक है। अभी मैं सेट करूँगा एंड पे मैस की वीडियो, ठीक है, वो भी देख लेना। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी सारी। तो ऐसा अभी मैं अपना सारा सामान वगैरह इकट्ठा करूँगा, उसके बाद इस रूम को कहेंगे अलविदा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आज का रूम टूर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। ऑन ग्राउंड जाके वीडियोस और भी बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस और भी बाकी हैं जो क्यू में है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज, बहुत से जो लोग हैं वो पूछते हैं कि आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल का जो एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ही ज़्यादा A+ रहेगा, बहुत ज़्यादा आप मज़ा करोगे। जब आप ऐसे शांति में रहोगे ना, ऐसे व्यू में रहोगे पूरे हॉस्टल का, मतलब यार जब पूरे दिन का ऐसे यूनिवर्सिटी में दिन स्पेंड करने के बाद आपको यहाँ पे आके जो शांति मिलेगी रहने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मस्त व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी है, आने के बाद आप जब बिल्कुल शांति से आप यहाँ बैठोगे अपनी गैलरी में, ठीक है,
मौसम को एंजॉय करोगे, बारिश एंजॉय करोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप भी अगर एक बार मौका मिले ज़रूर तो हॉस्टल में ही रहना यार, ठीक है, बहुत सही लगेगा। साउथ कैंपस दिखाता हूँ आपको, वो जो बिल्कुल सामने है वो है साउथ कैंपस, ठीक है। ये है मेन कॉलेज, ठीक है। ये जो सामने है ये है गर्ल्स हॉस्टल। आपको अपने बेड के पास ऐसे अपना पर्सनल लैंड पोर्ट, ठीक है, ये चार्जिंग के लिए, ये आपका लैंड पोर्ट, ये आपकी लाइट। उसके बाद जो दूसरे दो बंदे होंगे, एक बेड यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, तो उनके लिए दो स्विच ये रहे। उसके बाद ये रहा, यहाँ पे दो लैंड पोर्ट और, जैसे 4 सीटर रूम है तो 4 लैंड पोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये डक्ट है, ये लाइट है, ये मेरी लाइट थी। उसके बाद यहाँ पे आपके स्विच वगैरह लगे हुए, ठीक है, पंखे के बटन, और यहाँ पे फायर के लिए भी लगा हुआ है, ठीक है, अगर फायर वगैरह लग जाए। यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। तो गाइज़ अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह कुछ आते हैं तो उनको रहने की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको गेस्ट हाउस वगैरह बताए थे वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। आज आपको दिखा रहा हूँ गेस्ट रूम है जो, ठीक है, ये पूरा गेस्ट रूम है आपके पेरेंट्स के लिए। जो भी आपका कोई रिलेटिव या कुछ आएगा तो वो इस ऐसे हर हॉस्टल में ऐसे रूम्स हैं, ठीक है, गेस्ट रूम जिनको बोलते हैं, जिन पे लोग स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूम है, हर कमरे में डक्ट लगी हुई है यहाँ भी, ठीक है। तो गाइज़ ये आपका एक कॉमन रूम, ठीक है, जहाँ पे आपके बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे कई बच्चों को दिक्कत आती है कि रूम में 4 बच्चे होंगे तो डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, तो उनके लिए ये स्टडी रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह लगते हैं, ये सारे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छे खासे। तो यहाँ पर आप बैठ के कॉमन स्टडी रूम में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ यार इंस्टाग्राम पे। मेरा जो गोल है वो है 1K फॉलोअर्स का, ठीक है। आई होप 1 महीने के अंदर मेरे 1K फॉलोअर्स हो जाएँ। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी, जो लोग भी हैं, जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करो, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और देखते हैं यार, ऐसे ही बने रहो, सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट ज़रूर करूंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में।